So hello everyone and welcome back to another video. So Genesis Valtryek versus Brissett Rock Tavor वाली वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि Genesis Valtryek versus Lost Luminor का बैटल बनाओ. तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बैटल करने वाले हैं Genesis Valtryek versus Lost Luminor का. तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. सो ये दोनों ही वे काफ़ी अच्छे बे रह चुके हैं अपनी अपनी जनरेशन में. और अगर तुम लोगों ने इन दोनों ही बेस की अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो तुम्हें उन दोनों ही अनबॉक्सिंग वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो. और विक्ट्री वैल्ट्रेक वर्सेस लॉस्ट लुइनोर वाली वीडियो में तो लुइनोर जीत गया था, तो अब देखते हैं कि जेनेसिस वैल्ट्रेक के सामने लुइनोर जीत पाता है कि नहीं. और ये बैटल 10 पॉइंट्स का होने वाला है. तो चलो अपने बैटल को शुरू करते हैं. राउंड 1 3 2 1 गो. सो तुम देख सकते हो लुइनोर ने वैल्ट्रेक को हरा दिया है सर्वाइवर फिनिश से. सो अब लुइनोर के हैं 1 पॉइंट्स. राउंड 2 3 2 1 गो. सो तुम देख सकते हो जेनेसिस वैल्ट्रेक ने लॉस्ट लुइनोर को रिंग आउट फिनिश कर दिया है. सो वैल्ट्रेक के भी हैं 1 पॉइंट्स. राउंड 3 3 2 1 गो. तो तुम देख सकते हो जेनेसिस वैल्ट्रेक ने लुइनोर को सर्वाइवर फिनिश से हरा दिया है. सो वैल्ट्रेक के हैं 2 पॉइंट्स. राउंड 4 3 2 1 गो. सो तुम देख सकते हो लुइनोर ने वैल्ट्रेक को रिंग आउट फिनिश कर दिया है. सो लुइनोर के हैं पॉइंट्स. राउंड 5 3 2 1 गो. सो तुम देख सकते हो जेनेसिस वैल्ट्रेक ने लॉस्ट लुइनोर को सर्वाइवर फिनिश से हरा दिया है. सो वैल्ट्रेक के हैं 3 पॉइंट्स. राउंड 6 3 2 1 गो. सो तुम देख सकते हो लुइनोर ने भी वैल्ट्रेक को सर्वाइवर फिनिश से हरा दिया है. सो अब लुइनोर के हैं 3 पॉइंट्स. राउंड 7 3 2 1 गो. सो जैसा कि तुम देख सकते हो जेनेसिस वैल्ट्रेक ने लॉस्ट लुइनोर को बर्स्ट कर दिया है. सो जेनेसिस वैल्ट्रेक के हैं 5 पॉइंट्स. राउंड 8 3 2 1 गो. सो तुम देख सकते हो लॉस्ट लुइनोर ने जेनेसिस वैल्ट्रेक को सर्वाइवर फिनिश से हरा दिया है. सो अब लॉस्ट लुइनोर के हैं 4 पॉइंट. राउंड 9 3 2 1 गो.
सो तुम देख सकते हो लॉस्ट लुइनोर ने एक और बार जेनेसिस वायट्रिए को सर्वाइवर फिनिश से हरा दिया है। सो अब लुइनोर के हैं 5 पॉइंट्स। राउंड 10, 3, 2, 1, गो। तो जैसा कि तुम देख सकते हो ये काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन जेनेसिस वायट्रिए बाद में रुका है। सो अब जेनेसिस वायट्रिए के हैं 6 पॉइंट्स। राउंड 11, 3, 2, 1, गो। तो तुम देख सकते हो जेनेसिस वायट्रिए ने लॉस्ट लुइनोर को बर्स्ट कर दिया है। सो अब जेनेसिस वायट्रिए के हैं 8 पॉइंट्स। राउंड 12, 3, 2, 1, गो। सो जैसा कि तुम देख सकते हो लॉस्ट लुइनोर ने जेनेसिस वायट्रिए को सर्वाइवर फिनिश से हरा दिया है। सो अब लॉस्ट लुइनोर के हैं 6 पॉइंट। राउंड 13, 3, 2, 1, गो। सो तुम देख सकते हो लॉस्ट लुइनोर ने जेनेसिस वायट्रिए को बर्स्ट कर दिया है। सो अब लुइनोर के हैं 8 पॉइंट। राउंड 14, 3, 2, 1, गो। सो जैसा कि तुम देख सकते हो दोनों ही वे साथ में ही रिंग आउट फिनिश हुए हैं, तो ये है ड्रॉ। तो अब करते हैं अगला राउंड। राउंड 15, 3, 2, 1, गो। सो जैसा कि तुम देख सकते हो दोनों ही वे रिंग आउट हो गए थे, लेकिन जेनेसिस वायट्रिए बाहर आ चुका है। सो इस हिसाब से जेनेसिस वायट्रिए के हो चुके हैं 9 पॉइंट। राउंड 16, 3, 2, 1, गो। सो जैसा कि तुम देख सकते हो लॉस्ट लुइनोर ने जेनेसिस वायट्रिए को सर्वाइवर फिनिश से हरा दिया है। सो अब लुइनोर के हैं 9 पॉइंट्स। राउंड 17, 3, 2, 1, गो। सो जैसा कि तुम देख सकते हो लॉस्ट लुइनोर ने जेनेसिस वायट्रिए को बर्स्ट कर दिया है। तो लुइनोर के हो चुके हैं 11 पॉइंट्स, और इस हिसाब से वो इस बैटल को जीत गया है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में कि तुम्हें इन दोनों बेज में से कौन सा बे बाय करना चाहिए। सो मेरे ओपिनियन में तुम्हें लॉस्ट लुइनोर को ही बाय करना चाहिए, क्योंकि तुम देख सकते हो इसने एक गॉड बे को भी हरा दिया है, और ये सीजन 1 का तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बे है ही, लेकिन ये कुछ गॉड बेज तक को हरा सकता है। तो अगर तुम्हें एक अच्छा अटैक टाइप चाहिए तो तुम डेफिनेटली लुइनोर को कंसिडर कर सकते हो। सो आई होप कि तुम सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जल्दी ही मैं तुम सभी लोगों के बैटल्स लेके आऊँगा, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Ta 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 ta